किसानों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। तीसरा मोर्चा इनको धूल चटाने के लिए बीजेपी वालों के लिए बथेरा है। सरकार सिर्फ फूट डालो राज करने का प्लान कर रही है। वो जाति निहाय जनगणना की बात करते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, केवल बात करना, इससे ये होने वाला नहीं है। बात कर रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं दे रहे ना। दे तो रहे हैं, बोल तो दिया, कहाँ दिया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी लेकिन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। तो यहाँ पे आप ये पोस्टर देख सकते होंगे कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, तीसरा मोर्चा इसको कहा जाता है, तो उसी को लेकर हम बात करेंगे। सर जो सर हम ये तीसरे मोर्चे के बारे में क्या कहेंगे? तीसरा मोर्चा ये भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। जिस पार्टी में SC ST OBC और माइनॉरिटी के दल जो भी स्टेट वाइज है वो शामिल है, लगभग 87 पॉलिटिकल पार्टियों को हमने इनवाइट किया है। एक है NDA गठबंधन, दूसरा इंडिया गठबंधन और तीसरा है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जो राष्ट्रीय स्तर पर तो ये आपका मोर्चा है, मतलब तीसरा मोर्चा जैसे कहा जाता है, तो इससे मतलब किस किस तरीके का परिवर्तन लाएंगे? ये सामाजिक में परिवर्तन लाएगा, एजुकेशन में परिवर्तन लाएगा, किसानों के फसल जो है उनको भी जो मार्केट मूल्य है वो नहीं मिल रहा है, किसानों के हित की बात करता है, किसानों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, छात्रों के लिए विशेषता ध्यान दिया जाएगा। और अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। 2014 में और 2019 के चुनाव में कहा था, उन लोगों को रोज़गार मिला तो है, मोदी सरकार भी तो इसी रोज़गार की बात कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है। बात कर रही है लेकिन रोज़गार नहीं दे रहे ना। दे तो रहे हैं, बोल कहाँ दिया, कहाँ दिया। 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात की थी लेकिन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया। जो जाति जनगणना की बात हो रही है तो उसमें आप क्या कहेंगे, सहमत है उससे? वो जाति निहाय जनगणना की बात करते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, केवल बात करना, इससे ये होने वाला नहीं है, इसको अमल में लाने से होगा। माननीय वामनी मिश्राम साहब के नेतृत्व में पिछले 15 साल से राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होती है तो पिछड़ों के लोकसंख्या के आधार पर उनको आर्थिक बजट अलोकेट करना पड़ेगा। जब आपकी पार्टी बन जाएगी तो आप ये करवाएंगे जातीय जनगणना? 72 घंटों के अंदर कानून बनाकर करवाएंगे। अच्छा, लेकिन जो जातीय जनगणना है एक तरीके से आपको नहीं लग रहा कि जातियों में फूट डालने वाली बात हो गई है? जिन्होंने जाति का निर्माण किया है उनको ये सवाल पूछना चाहिए। सर जिस तरीके से आप जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं वो तो राहुल गांधी भी करा रहे हैं, तो उसमें क्या अलग है? तो राहुल गांधी कह देगा कल को के जब बीजेपी वाले नहीं करा रहे मैं क्यों कराऊँ। उसके पास 4 स्टेट हैं पहले ऑलरेडी जिनमें शासित हैं वो कांग्रेस, उन 4 स्टेटों में टिकटें दे दें, जाति का जनगणना करा दें, कौन रोक रहा है उनको? जो ईमानदारी है तो करवा दें अभी। तो आप जाति जनगणना से सहमत हैं? हाँ, जाति का जनगणना पे सहमत हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जाति जनगणना से आपको ये नहीं लग रहा है कि मतलब फूट डालने वाली बात हो रही है, बीच में विवाद पड़ेगा? ये फूट जो है ना तो इन्होंने जिन्होंने डाल रखी है उसे हक प्रस्ती के साथ जोड़ करके सबके हिस्से सुनिश्चित करने का काम है। सर जी, आपका ये जो तीसरा मोर्चा है इससे आप क्या करेंगे, मतलब क्या होने वाला है, जो तीसरा मोर्चा बन रहा है? तीसरा मोर्चा इनको धूल चटाने के लिए बीजेपी वालों के लिए बथेरा है। तो आपको नहीं लग रहा बीजेपी सरकार आपके हिसाब से कुछ काम नहीं कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है? सरकार सिर्फ फूट डालो राज करने का प्लान कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि विदेशों में डंका बज रहा है, उनका विदेशों से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। हाँ, डंका बज रहा है, सारे जितने भी जो है ना 85% मूल निवासी हैं उन सबको हाशिए पे खड़ा कर दिया। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जो तो हमने इनसे बातचीत करी और जाना, और ये कह रहे हैं इनका तीसरा मोर्चा जैसे इंडिया है NDA वैसे ये तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, तो उसी को लेके ये मतलब रोज़गार शिक्षा सब पे आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप इनकी बात से कितना सहमत है? मैं ज़रूर बताइएगा। और देखते रहे जनित आवाज़।